अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे लेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। इन आवर टुडे लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें दो तरह की हम लॉज को डिस्कस करेंगे या दो तरह की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो कंज्यूमर की यूटिलिटी है, उसको कैसे मेजर किया जाता है। इसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, वन इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। तो हम वन बाय वन दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला मेथड है दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच, और इसको लॉ ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो कार्डिनल अप्रोच से पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है। इसमें ये जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है कि सबसे पहले तो हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। अब बेसिकली किसी भी चीज़ के अंदर जो पावर है आपकी, जो भी एक वांट है, जो डिज़ायर है, उसको फुलफिल कर देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। अब लाजमी नहीं है कि जो हर चीज़ जो आपके लिए यूज़फुल है उसमें आपके लिए यूटिलिटी भी हो। दुनिया में जो भी चीज़ है हर चीज़ यूज़फुल है, बट नॉट एवरी थिंग हैज़ यूटिलिटी। अब जैसे कि एक बंदा स्मोकिंग करता है, तो वो स्मोकिंग करने वाले के लिए वो चीज़ यूज़फुल तो है, बट उसके अंदर उसमें यूटिलिटी नहीं है। तो हर चीज़ यूज़फुल है, लेकिन हर चीज़ लाजमी नहीं है कि वो आपको फ़ायदा भी दे रही हो, यानी कि उसके अंदर यूटिलिटी भी हो। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। हर चीज़ यूज़फुल तो है, लेकिन हर चीज़ आपके लिए लाजमी नहीं है कि उसमें आपके लिए यूटिलिटी भी हो। तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस का कंसेप्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कार्डिनल अप्रोच क्या है टू मेजर यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच के अंदर बेसिकली जो हम लॉ यूज़ करते हैं दैट इज़ का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर वेन एवर वी वांट टू प्रेजेंट एनी लॉ, एनी थ्योरी, वी हैव टू मेक सर्टन काइंड ऑफ अजम्पशन। विदाउट एनी अजम्पशंस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी लॉ इन इकोनॉमिक्स। सो इस तरह इसी लॉ के अंदर हमें सबसे पहले कुछ अजम्पशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो उन एजम्पशंस को या हम एक नाम देते हैं सेट्रस पेरीबस, या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। व्हेन यू कंटिन्यूसली यूज़ अ गुड, इट गिव लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन टिल इट रीच टू जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। कि अगर आप किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहते हैं तो इन द स्टार्टिंग पॉइंट वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसका कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो पहले वाले के मुकाबले में कम होता चला जाता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो उसका फ़ायदा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और फिर अगर उसके बाद भी आप उसको यूज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको नेगेटिव हो जाता है, फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा होता है। इसमें जो एक मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप देखें कि रमज़ान में आप लोगों को जब सख्त प्यास लगी होती है तो रोज़े के बाद हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि पानी हम पिए ना। तो जब आप पानी का पहला ग्लास पीते हैं तो वो उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही प्यास बाकी रह जाती है, आप दूसरा ग्लास फ़ौरन पीते हैं तो आपकी प्यास और कम हो जाती है, तीसरा पीते हैं तो बस आपकी, आप कहते हैं बस मेरी जो आप ज़रूरत थी ना वो पूरी हो गई है। तो ये इस पे आके हम कहते हैं कि उसकी जो यूटिलिटी है ना वो ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं मैं अभी एक और ग्लास पीता हूँ, तो वो जो आप एक और ग्लास पीते हैं तो उसमें हम कहते हैं जो आपकी ना एक पेट में वॉमिटिंग टाइप की कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, अब आपको उल्टी आ रही है। तो इसका मतलब वो जो पहले तीन यूनिट्स आपको फ़ायदा दे रहे थे, सेम उसी चीज़ का जब आपने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो अब आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने शुरू हो गए, यानी कि अब आपका पेट फूल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव। अब इस लॉ के जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहली चीज़ होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि सेम, एक जैसी, जो आपने चीज़ पहले यूज़ की थी सेकंड भी आपको उसकी वही यूज़ करेंगे, थर्ड भी वही होगा, फोर्थ ऐसे ही होगा। सेकंड वन सूटेबल क्वांटिटी। सूटेबल क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं उसके जो यूनिट्स हैं वो बड़े सूटेबल से हो। मसलन अब ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट ही टर्म के अंदर एक पूरी बॉटल आप पी लें तो सेकंड बॉटल की वैसी गुंजाइश नहीं रहेगी, या आप ऐसा ना हो कि बॉटल्स के ढक्कन हैं उसके अंदर आप पानी डाल के पी रहे हो तो 100 यूनिट भी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो सूटेबल क्वांटिटी का मतलब यह है कि जो भी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो सूटेबल होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ यूटिलिटी इज़ कार्डिनल, जो कि यूटिलिटी का एक मेथड का नाम भी है कि यूटिलिटी कार्डिनल, वी मेजर यूटिलिटी थ्रू कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब यह है कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ नंबर्स, नंबर की फॉर्म में, कि पहला ग्लास भी है उससे 10 फायदा हुआ, दूसरे से 20, 30, 40 जो भी है ना हम नंबर्स दे रहे होंगे। एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, कि आप जो भी गुड यूज़ कर रहे होंगे उसको आपने कंटिन्यूस यूज़ करना है, और ये इस लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। मसलन अगर आपने पहला ग्लास पिया तो फ़ौरन उसके बाद दूसरा, फ़ौरन फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर एक आप सुबह पी रहे हैं, फिर एक शाम को पी रहे हैं,
एक दोपहर को पीने देते ना, दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस की वजह से सुबह वाले का आपको अलग बेनिफिट हो रहा है, इवनिंग वाले का अलग है। तो इसी तरीके से जब आप बीच में ब्रेक्स दे रहे हैं, गैप दे रहे हैं, तो फिर हर यूनिट का आपको बेनिफिट हो रहा होगा, फिर वो यूटिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही होगी, वो इंक्रीज हो रही होगी। एंड द नेक्स्ट वन, नो चेंज इन टेस्ट। नो चेंज इन टेस्ट का मतलब क्या है कि जो आपने पहला जिस चीज़ को यूनिट कंज्यूम किया था, सेकंड वही होगा। अगर पहले आपने सादा पानी पिया तो दूसरा सादा पानी, ऐसा ना हो पेप्सी कोक या आप कुछ और मशरूबात वगैरह पी रहे हैं, तो इसका मतलब फिर उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये अजम्पशन है कि नो चेंज इन टेस्ट, आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नो चेंज इन मेंटल लेवल, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी जो मेंटल लेवल है वो चेंज ना हो। मसलन एक पानी है, तो अगर एक डॉक्टर ने एक बंदे को ये सजेस्ट कर दिया कि आप किडनी का मसला है, तो आप जितना पानी ज़्यादा पियेंगे आपको उसका बेनिफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब उसकी एक मेंटल लेवल ये बन चुका है कि ये पानी मुझे फ़ायदा दे रहा है, तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पी रहा होगा उसको फ़ायदा उससे उतना ही ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये है कि नो चेंज इन मेंटल लेवल। अब हम इसी चीज़ को ज़रा एक टेबल और ग्राफ से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले ग्राफ टेबल, फिर हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये दिया गया है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो पहला पानी का ग्लास पी रहा है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स लिए, यहाँ पर उसकी टोटल यूटिलिटी है और यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। फर्स्ट ग्लास उसने कंज्यूम किया तो उसको 8 यूनिट का फ़ायदा हुआ, सेकंड पे कंबाइन 14 का होगा, थर्ड पे कंबाइन 18 का हो गया, फोर्थ पे कंबाइन 18। कंबाइन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो टोटल है, ये टोटल इज़ द सम ऑफ ऑल 4 यूनिट्स। ये जो 5 पे 20 है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल 5 यूनिट्स। ये जो 6 पे 18 है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल 6 यूनिट। कि सब का कुल मिला के आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द यूटिलिटी विच वी गेन बाई कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर देखें, जब आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो योर यूटिलिटी विल बिकम 14। 8 यूटिलिटी यू हैव ऑलरेडी, सेकेंड आपने कंज्यूम किया तो टोटल 14 हो गए थे। तो वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज़ 6। तो सिर्फ सेकेंड वाले ने आपको कितने की यूटिलिटी दी है, दैट इज़ 4 6। इसी तरीके से जब आप थर्ड पे आते हैं तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, दैट रिचेज टू 18। लेकिन 14 आप ऑलरेडी 2 से ले चुके थे, थर्ड किया तो टोटल 18 हुई है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटी विच वी गेन बाय वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट से आपको यूटिलिटी कितनी की है, दैट इज़ 4। 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से जब आप फोर्थ कंज्यूम करते हैं तो योर टोटल यूटिलिटी इज़ 20, बट योर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 2। वाई? बिकॉज 18 यू हैव ऑलरेडी एंड द फोर्थ वन इज गिविंग यू ओनली 2 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यूनिट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके पास जो यूटिलिटी लेवल है, दैट इज़ डिक्रीजिंग। और यही लाभ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है कि द मोर यू कंज्यूम ऑफ एनी गुड, इट विल गिव यू लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन एंड इट रीचेज टू 0 एंड देन इट विल बिकम नेगेटिव। तो ये 0 वाला वो वाला पॉइंट है जब आप कहते हैं जब अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस अब इनफ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। और ये अगर उसके बाद भी आप उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो फ़ायदा देने के बजाय अब आपको वो नुकसान दे रहा है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये अब आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था इस पॉइंट पे। अब हम इन्हीं चीज़ों को ग्राफ की मदद से ड्रा करते हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हमने टोटल यूटिलिटी को लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं। तो ये देखें, स्टार्टिंग के ऊपर जब यूटिलिटी बढ़ रही थी तो ये कर्व आपका पॉजिटिव स्लोप क्या, ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी यूटिलिटी जाके मैक्सिमम स्टेज पर होगी थी, जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी थी। और ये यूटिलिटी डिक्राइन क्यों हो रही है, क्योंकि अब आपका 0 के बाद भी आपने उसको कंज्यूम किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो यूटिलिटी डिक्रीजिंग होना शुरू हो गई है। सिमिलरली इस तरह हमने यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ड्रा किया है। इस एक्सिस पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को लिया, एक्स एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को लिया। फर्स्ट यूनिट पर यूटिलिटी ज़्यादा थी मार्जिनल, सेकेंड पर मार्जिनल और कम होगी, थर्ड पर और कम होगी, फोर्थ पर और कम होगी, और एक स्टेज पर आके ये 0 होगी, और इसके बाद भी जब आपने किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी थी, नेगेटिव होगी थी। तो ये आपके पास ग्राफ्स हैं जो अभी हमने टेबल डिस्कस किया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखें तो यहाँ पर 3 किस्म का ना रिलेशनशिप एक है। फर्स्ट तो ये है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ये भी 8 है वो भी 8 है। और सेकेंड रिलेशनशिप ये है कि जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती, ठीक है, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, ठीक है। जब तक ये देखें, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं है, डिक्रीजिंग है लेकिन 0 नहीं है। जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है, यानी कि 0 नहीं होती, तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। और वो पॉइंट जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, उस पॉइंट के अगेंस्ट आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, दैट इज़ ऑलवेज विल बी मैक्सिमम। वो आपके पास वहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो हमेशा मैक्सिमम होगी, जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी।
और जब आपकी मार्जिन ऑफ यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, या इस जीरो के बाद यहाँ नीचे वैल्यूज नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपके पास मार्जिन ऑफ यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो उस पॉइंट पर आपके पास टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये तीन तरह का रिलेशनशिप है। फर्स्ट, दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। सेकेंड, जब आपके पास मार्जिन ऑफ यूटिलिटी जब तक जीरो नहीं होती तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, और जब मार्जिन ऑफ यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो उस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। एंड द लास्ट वन इज, जब मार्जिन ऑफ यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो आपके पास टोटल यूटिलिटी ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हाँ, इसके लिखे में जो भी मैंने आपको तीनों किस्म के बताए रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन ऑफ यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ये यहाँ पे लिखे में। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो आपका लॉ है ये किन लिमिटेशन इसकी क्या है, या एस्पेक्ट एक्सेप्शंस क्या है कि ये किन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। इसमें देखें, सबसे पहले नॉलेज है। हमने तो ये कहा कि अगर आपके पास कोई चीज़ जितनी ज़्यादा आ रही है उसका फ़ायदा कम होता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज किसी पर्सन के पास जितना ज़्यादा आएगा उसका फ़ायदा उसको उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। इसी तरीके से इनकम एंड वेल्थ है या रेयर कलेक्शंस हैं, ये जितनी आपके पास ज़्यादा आते चले जाएंगे आपको उसका बेनिफिट उतना ज़्यादा होगा। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ मेरे पास कम, हर बंदा ये कहता है कि मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा आती चली जाए। तो इसलिए ये लॉ इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता। और एक और भी है कि इसकी लिमिटेशन कह लें या इसका ड्रॉबैक कह लें इस मॉडल का या इस थ्योरी का, कि यूटिलिटी इज़ कार्डिनल। हम वी कैन नॉट डिसाइड दैट हाउ मच यूनिट ऑफ द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर और द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इज़ गिविंग अस। हम कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ने हमें 10 का दिया, ये जो 10 यूनिट्स हम कह रहे हैं 10 किस बेस के ऊपर हम डिसाइड करें 20, क्योंकि यूटिलिटी को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली यूटिलिटी क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हमें किस चीज़ से कितने का फ़ायदा हो रहा है ये कभी भी हम, ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है, तो हम इमोशनल स्टेटमेंट्स को या इमोशनल सेटिस्फेक्शन को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर्स। तो हमने तो इस मॉडल के अजम्पशन में भी कहा था कि यूटिलिटी इज़ मेजर कार्डिनल, कि हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर करेंगे। तो यूटिलिटी को तो हम कभी भी नंबर्स की फॉर्म में मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक इमोशनल लेवल ऑफ स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब सेकंड मेथड है यूटिलिटी को मेजर करने का, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। अब बेसिकली ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि इसमें हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे इन ऑर्डर फॉर्म। हम ऑर्डर देंगे कि इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के गुड्स होंगी और हम पेयर बनाएंगे उसका ऑर्डर करेंगे, तो इसलिए हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं इन ऑर्डिनल अप्रोच ऑर्डर फॉर्म, यानी कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे ऑर्डर की फॉर्म में। और इसमें जो इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, इसमें हमारे पास एक कर्व बनेगा जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होता है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा वाला पेयर सेलेक्ट करे, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कर्व है इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, कि द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, ही कैन नॉट डिसाइड वेदर टू बाय बंडल ए, बंडल बी, बंडल सी, बंडल डी एंड सो ऑन। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन सिंपल क्या है, इंडिफरेंस कर्व शोज दी डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अटेन व्हेन हिज लेवल ऑफ इनकम इज गिवन। लेवल ऑफ इनकम गिवन का मतलब क्या है, जब उसकी इनकम उसको ऑलरेडी पता होगी उसमें चेंज नहीं आएगा। डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होंगे, इसमें हम ओनली टू गुड्स की बात कर रहे होंगे, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर मोर देन टू गुड्स आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे। बहरहाल यहाँ पर डेफिनेशन है, तो क्रिटिसिज्म या जब इसके ड्रॉबैक्स आएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इसकी अजम्पशन क्या है कि कंज्यूमर इज़ रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर एक समझदार हो, वो जब कुछ बाय कर रहा हो तो उसे पता हो जो मैं इसकी प्राइस पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे उसी तरह यूटिलिटी मिलेगी या नहीं। सेकंड वन, यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या है कि हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे ऑर्डर की फॉर्म में, हम ऑर्डर देंगे, पेयर बनाएंगे ए बी सी डी। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि MRTS वो डिक्रीजिंग हो रहा होगा, आपका MRTS हमेशा डिक्रीज होगा। ये इस अजम्पशन को हम जब फर्दर आगे डिस्कस करेंगे तो हमें एक्सप्लेन करूँगा। और फोर्थ वन इज़ कंसिस्टेंसी इन चॉइस। कंसिस्टेंसी इन चॉइस का मतलब क्या है कि अगर आपने कह दिया कि बंडल ए को आप प्रेफर करें तो देन यू हैव ऑलवेज प्रेफर बंडल ए ओवर बंडल बी, एंड प्रेफर बंडल ए ओवर बंडल सी, एंड बंडल ए ऑन ओवर बंडल डी। अगर आपने ये कहा है कि बंडल ए मेरे लिए प्रेफरेबल है तो आप हर बार यही कहेंगे जो मेरे पास बंडल ए है वो बंडल बी से बेटर है, बंडल सी से भी बेटर है। तो आपकी जो चॉइस है वो आपके पास कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों को हम टेबल से और ग्राफ में देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपके पास टू गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कम्बिनेशन लिए गए हैं। आप देखें कि जब आप गुड एक्स का 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसी के गेस्ट आप गुड वाई के 16 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। अब जब आपने गुड एक्स का यूनिट इंक्रीज किया है तो देन यू हैव टू डिक्रीज द यूनिट ऑफ वाई। इसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। अगर इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वन गुड देन यू मस्ट हैव टू डिक्रीज द यूनिट ऑफ सेकेंड गुड। इसी किसी हम कहते हैं MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
किस रेट के ऊपर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं विद वन गुड विद दी अदर गुड। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के वो रेट जिस पे आप विलिंग हैं टू ट्रेड ऑफ बिटवीन वन गुड विद दी अदर गुड। अब आपने इसका एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए आपने इसके 5 यूनिट्स फॉरगो किए हैं, तो दैट इज कॉल्ड MRS। किस रेट के ऊपर 5, यानी कि आपने 5 यूनिट फॉरगो करने के लिए तैयार हैं टू गेट 1 यूनिट एक्स्ट्रा ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आता क्या है, चेंज इन वाई अवर चेंज इन एक्स। तो यहाँ से यहाँ पर y में कितने का चेंज आया 5 का, और यहाँ से यहाँ x में कितने का चेंज आया 1 का, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से जब आप 2 से 3 पे गए हैं तो आपने इसके 11 से 7 कर दी, यानी कि अब आपने इसका एक एक्स्ट्रा गेन करने के लिए यू हैव फॉरगॉन 4 यूनिट ऑफ y। तो अब आपके पास ये MRS कैसे आएगा, चेंज इन y और चेंज इन x। तो यहाँ से यहाँ y में कितने का चेंज आया 4 का, यहाँ से यहाँ x में कितने का चेंज आया 1 का, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 4। तो अब ये देखें, पहले 5 था, फिर 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये MRS आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली जैसे जैसे आप इसकी यूनिट बढ़ा रहे हैं तो आपको इसके यूनिट कम करना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली है, वो ये है कि आप देखें कि जैसे जैसे आप शुरू में आप इस बात के लिए विलिंग थे कि आप इसके 5 फॉरगो करके इसका एक एक्स्ट्रा गेन करने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसके कम यूनिट ऑफ जो वाई है वो आप फॉरगो करने के लिए तैयार हैं टू गेट 1 यूनिट ऑफ एक्स। आपके पास अब इस चीज़ के यूनिट ज़्यादा आते चले जा रहे हैं, इसके कम होते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी यूटिलिटी कम हो रही है और इसकी यूटिलिटी आपके पास बढ़ रही है, क्योंकि इसके पास आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो अब आप प्रेफर करें, नहीं भाई मैंने इसके अब आपको ज़्यादा यूनिट के साथ ट्रेड नहीं करना, अब 1-to-1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, 1-to-1 कहते हैं, एक दें और एक लें, क्योंकि अब आपके पास ये वाली चीज़ कम होगी तो जो चीज़ आपके पास कम होगी उसकी यूटिलिटी आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये चूँकि आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा आ चुके हैं तो इसलिए अब आप कहते हैं नहीं मैं आपके पास 1-to-1 ट्रेड ऑफ करूँगा। तो ये आपके पास MRS आ गया, MRS डिक्रीजिंग होगा, क्यों, क्योंकि शुरू में आप ज़्यादा इसके फॉरगो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कहते हैं नहीं मैं आप इसके कम दे के तो आपके साथ ट्रेड करूँगा। अब इसी चीज़ का हम ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमने गुड वाई को लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने गुड एक्स को लिया। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ पेयर्स वो 1 का 16 के साथ, 2 का 11 के साथ, 3 के जो भी कम्बिनेशन से पिछले टेबल पे हमने वो सब पॉइंट्स का ही आपस में ए बी सी एंड डी ड्रा किए, फिर हमने उन सब पॉइंट्स को ड्रा कर दिया, तो ये हमारे पास इंडिफरेंस करवा गया, दैट इज़ नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप, और ये कन्वेक्स टू दी ओरिजन है। कन्वेक्स का मतलब ये है कि ओरिजन की तरफ झुका हुआ है। MRS क्या है, यहाँ से यहाँ देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस है, चेंज इन वाई में कितना का था 5 का, चेंज इन एक्स कितने का था 1 का, तो MRS कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास कितना आ गया 5। तो इसी तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर आप अपने MRS को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपके पास होता ही ऐसे डाउनवर्ड स्लोप है, डिक्रीजिंग है। स्ट्रेट लाइन कुछ एक स्पेसिफिक केसेस होते हैं उनके अंदर होगा, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इंडिफरेंस कर्व आर नॉट पैरेलल टू अदर एक्सिस। पैरेलल का मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व आपका कभी भी ऐसे यूं स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ऐसे ना तो वो कभी हॉरिजॉन्टल बनेगा ना कभी वो ऐसे यूं वर्टिकल बनेगा। अगर वर्टिकल बन गया तो इसका मतलब ये है कि आपने वाई के यूनिट को बढ़ा रहे हैं, एक्स कांस्टेंट किए हुए हैं। अगर हॉरिजॉन्टल बन गया तो इसका मतलब ये है कि आपने वाई कांस्टेंट किया हुआ है, एक्स को बढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, ये तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिफरेंस कर्व है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक गुड के यूनिट बढ़ाने हैं तो देन यू मस्ट हैव टू रिड्यूस द यूनिट ऑफ सेकंड गुड। तो अगर आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल बन रहा है तो इसका मतलब ये आपने वाई कांस्टेंट किया हुआ और आप एक्स बढ़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बढ़ाना है तो दूसरे को आपको लाजमी कम करना पड़ेगा, इसलिए आपका ना इंडिफरेंस का स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना इंडिफरेंस कर्व आपका पैरेलल होगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व आपका स्लोप डाउनवर्ड है और ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, जो कि जनरल हमने इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक चीज़ डिस्कस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी कनकेव टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होते हैं, कनकेव नहीं होते। कन्वेक्स होने की रीजन क्या है, रीजन क्या है कि आपके पास जो MRS है वो डिक्रीजिंग होता है, वो डिमिनिशिंग होता है। अगर आपके पास इंडिफरेंस कर्व कनकेव बन गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका MRS इंक्रीज हो रहा है। तो MRS डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज क्यों हो रहा था कि अगर आपने एक के यूनिट बढ़ाने थे तो दूसरे के आपने कम किए, तो यहाँ पर वो आपकी जो थ्योरी है वो नहीं अप्लाई हो रही, MRS आपका डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर आपका MRS
इंक्रीजिंग है, इसलिए आपका इंडिफरेंस कर्व कभी भी कनकेव नहीं हो सकता। क्यों नहीं कनकेव हो सकता? इसलिए कि यहाँ पर वो एम आर एस वाली जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाती है, एम आर एस डिक्रीजिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर एम आर एस इंक्रीजिंग हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व जितना ओरिजिन से जितना दूर बनेगा वो हमें उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देर होगा। वो कैसे कि अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो इस पे हमने इतने गुड एक्स के लिए और इतने वाई के लिए, इस पे हमने इतने एक्स के लिए और इतने वाई के, इसके ऊपर अगर एक और बनेगा तो उसके पे हम एक्स के भी ज़्यादा ले रहे होंगे, वाई के भी ज़्यादा ले रहे होंगे, तो हर एक नए इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हम एक्स भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, वाई भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना दूर बनता चला जाएगा दैट इज़ गिविंग अस मोर एंड मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? कभी हमने कहा कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर एक हायर और लोअर दोनों आपको कैसे एक सेम पॉइंट के ऊपर एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं? ये तो प्रीवियस प्रॉपर्टी की फिर वायलेशन हो जाएगी। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हायर गिव अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर जब दोनों इक्वेट कर रहे हैं तो दोनों आपको सेम कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं? तो इंडिफरेंस कर्व दो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट एनी ऑफ एक्सिस। ना तो इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच करेगा, ना इंडिफरेंस कर्व आपका एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? अगर आपका इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर गया है तो इसका मतलब ये है कि आप इस एक स्पेसिफिक पॉइंट के आप एक्स के जीरो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ये कि इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो अगर यहाँ पर ये जीरो हो गया तो इसका मतलब आप एक ही गुड को कंज्यूम करें, दूसरे को तो कर ही नहीं रहे, तो फिर डेफिनेशन के अगेंस्ट चले जाएंगे और फिर आपका एम आर एस भी या तो जीरो आएगा या इनफाइनाइट आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसको किसे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपने वाई को जीरो कर दिया है। तो अगर एक जीरो हो गया दूसरे का आप कंज्यूम कर रहे हैं तो ये तो टू गुड्स है नहीं, तो डिफरेंस कर्व तो आपके पास टू गुड्स का कम्बिनेशन शो कर रहा होता है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना इंडिफरेंस कर्व कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही, ये हमने कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस किया। नेक्स्ट इसी से आगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर कहाँ इक्विलिब्रियम पे होता है। इंडिफरेंस कर्व की ही मदद से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। अगर आपके यहाँ तक किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं।